नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय प्रदेश भर में 4 जोन बनाकर रोजगार मेलों का करेगा आयोजन। ग्राम पंचायतों में पंचायती नुमाइंदों को कानून की जानकारी दिलाने के लिए वीडियो सभागार में 2 दिवसीय वर्कशॉप का किया गया आयोजन। वर्कशॉप में हमीरपुर मंडल के पंचायत वार्ड सदस्यों व प्रधानों को दी गई कानून संबंधी जानकारी। हमीरपुर शहर से सुजानपुर अवादेवी जाने के लिए आईपीएच विभाग के पास बनाए गए बस स्टॉप को बदलने पर दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने उठाई आवाज। डीएसपी रेणु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर बदले गए बस स्टॉप को पुरानी जगह पर करने की मांग। पुलिस भर्ती के दूसरे दिन भी 300 से अधिक अभ्यर्थी नहीं लगा पाए जंप। 19 जुलाई तक चलेगी पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा, कहा पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अजित सेन ठाकुर ने।